बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि कोहेरेंस इंटरवल क्या चीज़ है। कोहेरेंस इंटरवल को समझने से पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली में ब्लॉक फेडिंग होती क्या है। ब्लॉक फेडिंग में क्या होता है कि एक्चुअल हम देखते हैं कि जो चैनल है हमारा वो टाइम और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज हो रहा होता है, लेकिन हम टाइम और फ्रीक्वेंसी के रिसोर्स को ऐसे डिवाइड कर देते हैं कि जिसके अंदर हमारे चैनल का रिस्पॉन्स जो है वो कॉन्स्टेंट रहे। देखिए, मैं अभी आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि हम जो हमारे पास टाइम के रिसोर्सेज हैं और जो फ्रीक्वेंसी के रिसोर्सेज हैं उनको हम एक बॉक्स में डिवाइड, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक बॉक्स है। तो इस ये एक बॉक्स जो है हमारा ये कोहेरेंस इंटरवल को शो कर रहा है। इसी बॉक्स के अंदर हम अपलिंक पायलट्स भी भेजते हैं जो कि हमारी चैनल एस्टिमेशन में आते हैं काम। इसी के अंदर हम अपलिंक डाटा भी भेजते हैं, इसी के अंदर हम डाउनलिंक डाटा भी भेजते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि कोहेरेंस इंटरवल हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि उसके अंदर चैनल का रिस्पांस जो है वो कांस्टेंट रहे और चैनल की एस्टिमेशन जो है वो सही से हो सके और डाटा हम ज़्यादा से ज़्यादा भेज सकें। अब थोड़ा डुप्लेक्सिंग को देखते हैं। डुप्लेक्सिंग में दो ऑपरेशन होते हैं, टीडीडी ऑपरेशन और एफडीडी ऑपरेशन। अच्छा, टीडीडी ऑपरेशन के अंदर क्या होता है कि हम एक्चुअल में जो हमारा है ना टाइम उसको हम डिवाइड कर देते हैं। सेम ही फ्रीक्वेंसी पे बात हो रही होती है, फ्रीक्वेंसी वही यूज़ होती है, लेकिन हम डिफरेंट जो टाइम स्लॉट्स हैं वो हम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें टीटीडी के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक स्लॉट जो है वो हमने अपलिंक को दे दिया, ये वाला स्लॉट हमने डाउनलिंक को दे दिया, ठीक है। और एफटीटी ऑपरेशन के अंदर क्या होता है कि हम एक्चुअली टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। एक फ्रीक्वेंसी पे डाटा जा रहा होता है जैसे कि अपलिंक, और एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस स्टेशन से डाटा आ रहा होता है जैसे कि डाउनलिंक के अंदर देखते हैं हम। अब हम देखते हैं कि टीडीडी ऑपरेशन ही क्यों है इज़ द की फॉर मैसिव माइमो सिस्टम। एक्चुअली टीडीडी इसलिए की है क्योंकि इसमें हम के पायलट्स यूज़ कर सकते हैं। अब के क्या है? के है जी नंबर ऑफ यूज़र्स। इसमें एम क्या है? एम है जी नंबर ऑफ एंटीनाज एट दी बेस स्टेशन, क्योंकि मैसिव माइमो के अंदर नंबर ऑफ बेस स्टेशंस ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं वो होते हैं थोड़े। तो एक्चुअली जो टीडीडी ऑपरेशन है उसके अंदर हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं, हम अपलिंक भी यूज़ कर सकते हैं फॉर चैनल एस्टिमेशन और हम डाउनलिंक पायलट्स भी यूज़ कर सकते हैं फॉर चैनल एस्टिमेशन। तो इन दोनों में से हम कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए लेकिन जो एफडीडी है, एफडीडी के अंदर हमें दोनों चीज़ें चाहिए। हमारा सिस्टम इतना अच्छा हो कि वो डाउनलिंक की भी एस्टिमेशन कर सके और अपलिंक की भी एस्टिमेशन कर सके। सो फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि हमारा जो कोहेरेंस इंटरवल है उसके अंदर हम 200 सिंबल्स भेज सकते हैं। तो अब 200 सिंबल्स हम एक कोहेरेंस इंटरवल के अंदर भेज सकते हैं। तो जितनी सिंबल्स पायलट्स की एस्टीमेशन के लिए ज़्यादा होंगी तो जो हमारा कोहेरेंस इंटरवल का रिसोर्स है वो चैनल की एस्टीमेशन में ही ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि अगर एम की वैल्यू 100 है और हम एम पायलट्स को यूज़ कर रहे हैं तो 50% जो हमारा कोहेरेंस इंटरवल होगा वो जस्ट पायलट्स में ही यूज़ हो गया। तो ये एक कोई अच्छा यूज़ नहीं है अपना डाटा को ट्रांसफ़र करने का। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 0.5 मींस 5% जो है वो हम टोटल जो है उसको कोहेरेंस इंटरवल को यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए टीडीडी इज़ द की, क्योंकि टीडीडी के अंदर हम के पायलट्स यूज़ कर सकते हैं फॉर चैनल एस्टिमेशन। अच्छा, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को थोड़ा हम देखते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1950 से लेकर 1970 तक है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या है कि हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट्स थी जिनको जिनमें हम यूज़ करके हम कहते थे कि मशीन को आगे जाना है नहीं जाना, मतलब उसको स्टॉप करना या क्या जो भी है। लेकिन अब हम डीप लर्निंग के अंदर आ चुके हैं। डीप लर्निंग के अंदर क्या होता है कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेट पे ट्रेनिंग करते हैं। जितना डाटा सेट हमारा ज़्यादा होता है उतनी हमारी ट्रेनिंग।
यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डीप लर्निंग के बारे में मैं समझा देता हूँ कि डीप लर्निंग में एक्चुअली होता क्या है। डीप लर्निंग में एक होती है हमारी इनपुट लेयर, यहाँ पे हम अपनी इनपुट देते हैं, यहाँ से हम अपनी आउटपुट ले लेते हैं। ये होती हैं हिडन लेयर्स होती हैं, यहाँ पे जो है वो वेट्स जो हैं वो एक्चुअली कैलकुलेट हो रहे होते हैं। हमें ये जो होता है ये हमारे लिए एक ब्लैक बॉक्स होता है, हम नहीं जानते कि डाटा की ट्रेनिंग किस तरह हुई, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जब हम डाटा देंगे तो उसके हिसाब से ये रूल्स को जनरेट करेगा और इसके हिसाब से चैनल जो है वो एस्टिमेट। नेक्स्ट, डीप लर्निंग ही क्यों? डीप लर्निंग इसलिए, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको समझा दूँ, ये है डाटा वर्सेस परफॉर्मेंस का ग्राफ है। तो अगर हम डाटा को एक वैल्यू में ज़्यादा भी करते जा रहे हैं ना, तो जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं वो हमें कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं देते। लेकिन अगर हम न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो जितना डाटा सेट हमारे पास ज़्यादा होता है हमारी परफॉर्मेंस उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डाटा बहुत ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा डाटा पे ट्रेनिंग करके अच्छी परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि हम मैं आगे जाके इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हम डाटा सेट हमने लेना क्या है, डाटा सेट हमारे पास होगा क्या? वैसे तो हम देखते हैं कि अगर हमने कोई भी इमेज की रिकॉग्निशन करवानी है तो उसके लिए जो हमें डाटा सेट चाहिए होता है, हम डाटा सेट डाउनलोड कर लेते हैं, उस पर हमारी डाटा की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, तो हमें डाटा सेट तो चाहिए, लेकिन वो डाटा सेट होगा किस तरह का? वो डाटा सेट हमारे पास होगा एक पैरामीटराइज्ड डाटा सेट होगा। पैरामीटराइज्ड मीन क्या? क्योंकि हम जानते हैं कि वायरलेस सिस्टम के अंदर हम डिफरेंट सिनेरियोज को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हम अपने सिनेरियो के हिसाब से पैरामीटर्स की वैल्यू को चेंज कर देंगे कि भाई हम इतने बेस स्टेशन हमें चाहिए, उसके अंदर इतनी इतनी बिल्डिंग्स होंगी, उसके अंदर इतने यूज़र्स होंगे। तो डिफरेंट पैरामीटर्स की वैल्यू को चेंज करके हम एक जो है वो डाटा सेट जनरेट कर सकते हैं। तो एक्चुअली डीप माइमो में ये एक अपना फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम पैरामीटर्स की वैल्यू को चेंज करके एक डाटा सेट जनरेट कर सकते हैं। अब ये डाटा सेट चैनल जो है वो एक रिप्रेजेंट होने चाहिए इन्वायरमेंट के, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, चैनल हमारा कांस्टेंट नहीं रहता, चैनल एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है चैनल का। तो हमें एक ऐसा डाटा सेट चाहिए जिसके अंदर जो हमें चैनल्स की वैल्यूज़ आएँ डिफरेंट यूजर्स के लिए, डिफरेंट एंटीनाज के लिए, डिफरेंट बेस स्टेशन के लिए, तो उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी हो, वो एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड हो। अच्छा, अब डाटा सेट हमने जनरेट किस तरह करना है जी? डाटा सेट जनरेट करने के लिए हम कोई सा एक रे ट्रेसिंग सिनेरियो सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये जो वायरलेस इंसाइट है ना, रेमकॉन वायरलेस इंसाइट, उसने हमें डिफरेंट जो है अपना रेस ट्रेनिंग सिनेरियो की ये अपना एग्जांपल्स दी हैं, O1 है, I1 है, तो वो डिफरेंट सिनेरियोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनमें से कोई भी एक सिनेरियो हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी फाइल्स हम वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो हमने वो एक कोई भी एक हमने I1 या O1 इस तरह डिफरेंट सिनेरियोज में से हमने कोई भी सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद हमें एक फाइल दी जाएगी, उसके अंदर हम पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे, और हम एक डीप मेमो डाटा सेट जनरेशन कोड के अंदर ये दो पैरामीटर्स देंगे। तो हमें एक डीप माइमो डाटा सेट एक सिनेरियो के लिए और डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए मिल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको रे ट्रेसिंग सिनेरियो नेम्ड I1 को थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली I1 सिनेरियोज के अंदर क्या है कि हमने एक डिस्ट्रीब्यूटेड एंटीनाज, यहाँ पे 64 एक मैसिव माइमो सिस्टम जो है उसको हमने डिप्लॉय किया हुआ है। ये दो ग्रिड्स जो हैं, ब्राउन जो हैं, ये एक्चुअली यूजर्स की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी कि यूजर्स यहाँ पे मूव हो सकते हैं, और ये दो टेबल यहाँ पे रख दिए गए हैं। तो ये एक सिनेरियो हमें दे दिया गया है, तो इस सिनेरियो की एक रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे सामने है।
अच्छा, रे ट्रेसिंग से सिनेरियो के अंदर ये दो जो फाइल्स हैं वो हमने डाउनलोड की हैं, I1-2P4 एंड I1-2P5। एक्चुअली I1-2P4 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपलिंक फ्रीक्वेंसी को, और जो I1-2P6 है वो एक डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दो डिफरेंट डेटा सेट्स हमारे पास इस टाइप के आ जाएंगे, वन डाटा सेट इज़ फॉर अपलिंक एंड वन डाटा सेट इज़ फॉर डाउनलिंक। अब ये डिफरेंट मैं आपको पैरामीटर्स की वैल्यूज़ दिखा देता हूँ, जो कि जिस जो पेपर हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं उसके अंदर जो वैल्यूज़ थी। सिनेरियो ये है जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बेस स्टेशंस जो हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं वो हमने 64 यूज़ किए हैं। एक्टिव यूज़र्स जो हैं वो Row 12502 हैं। सिस्टम की जो बैंडविड्थ है वो 0.02 GHz है। और भी डिफरेंट वैल्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक्चुअली समझाने का मकसद ये है कि इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को फिक्स करके हम एक डाटा सेट जनरेट कर सकते हैं जिस पे भी हम ट्रेनिंग करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट जो हमने पैरामीटर्स की वैल्यूज़ यहाँ पे रखी हैं, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना I1-2P4 को किया है सिलेक्ट। सिनेरियो है हमारा, बेस स्टेशन हमने 16 यूज़ किए हैं। पहले हमने 64 पे भी इसको अपना अप्लाई करने की कोशिश की है, लेकिन वी विल ऑलवेज बी एन एरर विद आउट ऑफ मेमोरी। तो हमने फिर इसको 16 पे लेके आए, क्योंकि डाटा सेट जो जनरेट हो रहा था बेस स्टेशन के लिहाज से वो बहुत ही ज़्यादा था, वो 30 GB का था, 32 अबव था। तो हम उसको फिर अपने लैपटॉप्स के अंदर वो उसको इंस्टॉल डाउनलोड नहीं सॉरी डाउनलोड नहीं जनरेट नहीं कर सके। तो एक्चुअली फाइल्स तो हमने ये वाली डाउनलोड की हैं, तो ये वाली फाइल्स हम देंगे अपने डाटा कोड को, डीप माइमो डाटा कोड को, वो हमें फिर इन बेस स्टेशंस के लिए हमें सिनेरियोस जनरेट करके देगा डिफरेंट वैल्यूज़। और भी आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो बैंडविड्थ ली है वो 0.02 GHz, और एक्टिव यूज़र्स जो है वो इतने हैं। अब यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि जस्ट हमने दो तीन चेंजिंग्स किए, हमने फाइल डाउनलोड की है, फिर हमने पैरामीटर्स को चेंज किया है, फिर हमने इस फंक्शन को कॉल किया है डीप माइमो डाटा सेट जनरेटर को। तो उसके बाद क्या हुआ है कि डिफरेंट बेस स्टेशंस के लिए हमें डीप माइमो डाटा सेट जो है वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं थोड़ा बहुत आपको डाटा सेट के बारे में दिखा दूं कि डाटा है किस तरह का। एक्चुअली डाटा जो है वो 1/16 सेल का है। जितने हमारे पास बेस स्टेशंस होंगे उतने ही हमारे पास ये सेल्स आ जाएंगे। इसमें जो हर एक सेल है वो ईच बेस स्टेशन के लिए चैनल और लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यूज़र जो चैनल यूज़ कर रहा है उस चैनल वो जो चैनल है वो किस टाइप का है, और उसके बाद उसकी लोकेशन क्या है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने एक स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल ये बेस स्टेशन है कि हम 15 नंबर बेस स्टेशन पे इस यूज़र की के लिए हम चैनल देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम चैनल देख सकते हैं इतने, क्योंकि यूज़र्स जितने ज़्यादा होंगे, डाटा जितना ज़्यादा होगा उतने ही हमारे पास उसकी ट्रेनिंग अच्छी होगी और जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आएंगे। यहाँ पे हम लोकेशन देख रहे हैं, 15 15 नंबर जो है वो बेस स्टेशन है, यानी कि बेस स्टेशन हमने 15 नंबर बेस स्टेशन लिया है, 15 नंबर हमने यूज़र लिया है उस स्पेसिफिक बेस स्टेशन का, और हम उसकी लोकेशन देख रहे हैं तो हमें इसकी लोकेशन भी आ रही है। चैनल जो हैं वो एक कम्प्लेक्स वैल्यूड हैं, आप देख सकते हैं। तो चैनल एक कम्प्लेक्स वैल्यूड है। ठीक है, अब चैनल मैपिंग सिमुलेशन के लिए हम सिंपल सा प्रोसीजर हमने किया है। हमने क्या किया है कि हमने एक फाइल डाउनलोड की, पेपर के एंड में दी हुई थी, वहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हमने जो डाटा सेट पहले जनरेट किया है उसका हमने पाथ यहाँ पे दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया कि हम जहाँ पे वो डाटा जब ट्रेंड होगा, ट्रेंड होने के बाद वो कहाँ पे जाके सेव होगा, तो उसकी भी हमने यहाँ पे डायरेक्टरी दे दी है। अच्छा जी, चैनल हमारे पास आ गया, हमने डाटा सेट को भी डाउनलोड कर लिया, हमने पैरामीटर्स को भी सेलेक्ट कर लिया। तो एक्चुअली हमने जब अपने डीप न्यूरल नेटवर्क को देना है ना, तो डीप न्यूरल नेटवर्क जो है वो एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ को डील नहीं कर सकता। चैनल्स की वैल्यूज़ क्या हैं? चैनल्स की वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्स हैं।
तो हम क्या चाहेंगे कि उन चैनल्स की वैल्यूज़ को हम पहले उस फॉर्म में लेके आए कि न्यूरल नेटवर्क उसको समझ सके। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, उसकी समहाउ हम उसकी स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, नॉर्मलाइजेशन उसकी होगी। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स वैल्यू सिंपल वैल्यूज़ में आ जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वो चैनल्स हैं जो एक स्पेसिफिक एंटीना के लिए हमने यूज़ किए हैं, कि हमने टोटल जो होल 64 एंटीनास थे उनमें से हमने कुछ एंटीनास के चैनल्स को लिया, यहाँ पे हमने लिया, और यहाँ पे हमने देखा कि जो चैनल्स हमने जिन पे हमने ट्रेनिंग नहीं की उन पे चैनल्स की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। यानी कि हम इनपुट दे रहे हैं, हम आउटपुट में देख रहे हैं कि अब हम कोई अनसीन वैल्यू देते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल का रिस्पॉन्स क्या होगा। एक्चुअली M1 वो एंटीनाज हैं जिन पे हमारा चैनल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है। हम इस चैनल की वैल्यूज़ को M2 पे मैप करना चाह रहे हैं, यानी कि ये चैनल्स की वैल्यूज़ अगर हों तो किस तरह हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब M2 एंटीनाज पे चैनल का रिस्पांस क्या होगा। एक्चुअली ये काम हमने किया है। यहाँ पे हम मॉडल की परफॉर्मेंस के को देखेंगे कि मॉडल जो भी तक हमने ट्रेंड किया है वो कितना अच्छा है। लोअर बाउंड और अपर बाउंड, दिस इज़ लोअर बाउंड एंड दिस इज़ अपर बाउंड। लोअर बाउंड में क्या है कि हम एक सेट ऑफ एंटीनाज जहाँ पे चैनल का नॉलेज है वही चैनल वही सेट ऑफ एंटीनाज बीम फॉर्मिंग में हिस्सा ले रहे हैं और वो हमें एक स्पेसिफिक डाटा रेट दे रहे हैं, ये लाइन उसको रिप्रेजेंट कर रही है। अपर बाउंड जो है वो जब सारे के सारे एंटीनाज को परफेक्ट चैनल नॉलेज होगा तो उस टाइम पे जो बीम फॉर्मिंग होगी और जो डाटा रेट हमें 3.6 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्स मिल सकता है। तो दो केसेस डीप लर्निंग के केस में है कि विद इन बैंड और क्रॉस बैंड। विद इन बैंड में क्या है कि एक सेट ऑफ एंटीनाज हैं, दूसरा सेट ऑफ एंटीनाज हैं, जो एक सेट ऑफ एंटीनाज पे फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही होगी उस पे जो अपलिंक चैनल नॉलेज है उसको हम मैप कर रहे होंगे दूसरे सेट ऑफ एंटीनाज पे डाउनलिंक चैनल की मैपिंग के लिए, और दोनों जो हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर रहे होंगे। विद इन बैंड में ये होगा। और क्रॉस बैंड में क्या होगा कि एक सेट ऑफ एंटीनाज पे जो चैनल है, चैनल जो हमारे पास अपलिंक चैनल नॉलेज है उसको हम दूसरे सेट ऑफ एंटीनाज पे जो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहा होगा उसकी चैनल मैपिंग में यूज़ करेंगे। और हम यहाँ पे देख सकते हैं दोनों दोनों के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और जस्ट हमारे पास अगर एट एंटीनास का चैनल नॉलेज होगा तो हम उसकी इजीली मैपिंग कर सकते हैं दूसरे सेट ऑफ एंटीनास पे, और ये आलमोस्ट 9% बिलो है द परफेक्ट चैनल नॉलेज। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा एडवांटेज हो रहा है। दीज आर द रेफरेंसेस। थैंक यू।